कभी कभी हम ऐसे सफ़र पे चल जाते हैं जिनका अंजाम हमें पता नहीं होता, या फिर शायद हमें पता होता है पर हम उस सच को खुद से बोलना ही नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो किसी और को खुशी देने के लिए खुद की खुशी को मार बैठते और सोचते कि एक दिन वो भी खुश हो जाएंगे किसी और को खुश देखकर। पर क्या आप जब खुद ही खुश ना हो किसी और को खुशी बांट सकते हैं, अपने सपनों को मार कर किसी और को खुश कर सकते हैं? तो बस एक ऐसी नाकाम कोशिश की है मैंने उन सफ़र के बारे में लिखने की। गौर से देखो हर तरफ एक भगदड़ सी मची है, गौर से देखो हर तरफ एक भगदड़ सी मची है, तुम्हारे आगे तुम्हारे पीछे हर तरफ एक हलचल सी मची है, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा थोड़ा हर कोई इसमें डूबा है। ये वही भीड़ है जिसने तुम्हें हर मोड़ पर झिंझोड़ा है, ये वही भीड़ है जिसने तुम्हें हर मोड़ पर झिंझोड़ा है। अब कुछ सवाल है जो मैं करती हूँ कि क्यों गुमशुदा सी लाश बने हर सुबह उठ जाते हो, ख्वाहिशों को तकिए के नीचे बड़े छुपके से सरकाते हो, आँखों में सपनों को छुपाए होठों पे झूठी मुस्कान लिए फिरते हो, क्यों उठ करके एक बार इस सफ़र का अंजाम नहीं बदल देते हो, क्यों हर रोज़ झूठ में लिपटे उस एक सच को खुद से ही नहीं बोल देते। अब कुछ सही वक्त के बारे में बताती हूँ कि किस वक्त की आखिर तलाश में हो। ये वक्त है जनाब, अगर बीता तो बीतता चला जाएगा, एक बार को तो रेत भी मुट्ठी में आ जाए, एक बार को तो रेत भी मुट्ठी में आ जाए, मगर वक्त बीत गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा। क्या अभी तुम ये कहोगे ये तो किस्मत की ही गलती थी, पर तुमने कौन सी कोशिश की इस किस्मत को बदलने की? क्या इतनी जिद काफ़ी थी कि सफ़र तो ढूंढ लिया पर शुरुआत नहीं कर पाए, हर रोज़ उस झूठ में लिपटे उस एक सच को खुद से ही नहीं बोल पाए? अब जब सफ़र ढूंढ लेते हो पर चलने से डरते हो, तो सुनो अब मुड़ कर ज़रा एक बार फिर सोच लो, सफ़र तो अब भी वही है, ज़रा सफ़रनामे पे तो गौर करो, बिगड़ी नहीं है अब भी कुछ भी, सफ़रनामा ही तो बदलना है, गलतियां तो काफ़ी कर ली, अब उन्हें सुधारने से क्यों फिर डरना है? औरों के लिए तो हर दिन ही जीते हो, आज एक रात बस खुद के लिए ही जीना है, रुक रुक कर तो काफ़ी जी ली जिंदगी, अब तो बस उड़ने पे अमल करना है, तो फिर उठो और इस रात से कल की उजली सुबह मांग लो, बंद ख्वाहिशों को अपने उम्मीदों के पंख लगा दो और बेफिक्र फिर से इस अधूरे सफ़र पे बस उड़ चलो, उड़ चलो। हे गाइस, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर्स, सीरियसली थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मार्च टूवर्ड्स 1000, और हम बहुत ही जल्द 1000 भी कर लेंगे, लेकिन आपका साथ रहना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत बार रेगुलर पोस्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कॉलेज एंड यू नो आई एम पार्ट टाइम यूट्यूबर, सो थैंक यू सो मच, कीप बिलीविंग इन मी लाइक द वे यू हैव डन सो फार, एंड विल डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई, एंड आई विल ट्राई एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके बिलीफ पे खड़ी उतर सकूँ। सो मैं आई हूँ इस अनदर वीडियो के साथ, एक एनर्जेटिक पोएम अबाउट अ डायरेक्शन लेस पीपल, लाइक अ डायरेक्शन लेस डायरेक्शन, इट्स ओके, होता है कभी कभी। सो आई होप आपको मेरे सफ़र का परसेप्शन अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज मैं इस पोएम को लेके बहुत डाउट में थी, शुड आई पोस्ट और नॉट, सो पोस्ट कर दिया है, अब लेट्स सी आपको ये कितना पसंद आता है। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड यू नो वॉट टू डू, यू गॉट अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। से मिलूंगी अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द, तो प्लीज़ 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 गो एंड शावर सम लव। I'll see you.